सुबह जब निकला था मार्केट के लिए तभी भी बारिश आ गया था। शाम को 4:30 बजे थोड़ा बहुत निकले थे घूमने के लिए, बारिश चालू हो गया। शायद मौसम आज मेरे से गुस्सा है। तो ये रहा पश्चिमबंग पुलिस कांस्टेबल के किताब। तो 2-3 दिन हुआ मैंने इसको ओपन करके थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जो पश्चिमबंग पुलिस का जो कांस्टेबल का जो अप्लाई हो रहा था उसने अप्लाई किया, तो कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो जो एप्लीकेशन चालू हुआ था 2020 में चालू हो गया था, अभी 2021 चल रहा है, 21 का अभी 9वां महीना चल रहा है। फिर अभी जाकर अभी बुक को ओपन करके देखा, बुक तो जोश जोश में तभी खरीद लिया था, 2-3 दिन ऐसे उलट पलट के देखा, उसके बाद बुक तो ऐसे ही पड़ा रहा। तो अभी दो हफ्ते के बाद 26 तारीख को, इसी महीने के 26 तारीख को एग्ज़ाम है, उसी की वजह से अभी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। एक बार मैंने अप्लाई किया था तो उसके बाद जो मेरा डेस्टिनेशन पड़ा है एग्ज़ाम का, तो इतना दूर पड़ा है, 75 किलोमीटर घर से जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर एग्ज़ाम देकर फिर से वापस आना होगा। तो टोटल मेरा हो जाएगा 150 किलोमीटर से भी ऊपर हो जाएगा अप डाउन में। तो पहली बार में ही इतना दूर कैसे फेंक दिया पता नहीं। और जो लोग 2-3 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनका 40 से 50 किलोमीटर के आसपास ही है, तो ऐसा कोई दूर नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा पहली बार के लिए। और आज देखो मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। आज मौसम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, क्योंकि 2-3 दिनों से इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था। आज धूप तो नहीं है बट थोड़ा बहुत गर्मी है, अगर बारिश चला है तो भी दिक्कत हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा धूप भी आ जाए तो भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी बाइक को निकालूंगा तो बाइक भी गंदा हो जाएगा, अगर धूप हो जाएगा तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है। मैंने सोचा कुछ ही दिनों के बाद अभी ठंडे का महीना चल रहा आएगा, बट ऐसा लग रहा है फिर से गर्मी बढ़ ही रहा है। अभी कल है विश्वकर्मा पूजा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, मार्केट से कुछ चीज़ें वगैरह खरीदना पड़ेगा। और मेरा बाइक, बाइक तो अभी साफ ही है, क्योंकि 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुआ तो बारिश में चलाया भी नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैं एकदम क्लीन करके रख दिया था, उसके बाद बारिश भी नहीं हुआ और थोड़ा बहुत बाइक भगाया हूँ तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा है। और बाइक को भी निकालूंगा थोड़ा बहुत, इसको भी साफ़ सफाई करूंगा और उसके बाद साइकिल को भी साफ सफाई करूंगा। उसके बाद कल तो विश्वकर्मा पूजा, उसके लिए थोड़ा बहुत फूल वगैरह कुछ भी खरीदना पड़ेगा। अभी बाइक निकल ली है और आसमान देख कर लग रहा है बारिश कभी भी आ सकता है, थोड़ा बहुत बूंदा बंद है अभी हेलमेट की बजदर पर लग रहा है, तो जल्दी से काम ख़त्म करके आए उसके बाद बारिश आ जाए, नहीं तो फिर भीग जाना पड़ेगा और कैमरा पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। तो बाइक को थोड़ा बहुत बमअप होने देते हैं। अभी तो बारिश थोड़ा बहुत तेज़ होना चालू हो गया, सुबह जाने का प्लान था राइड पे जाने का, सुबह भी ऐसे ही बूंदाबांदी हो रहा था तो राइड कैंसिल कर दिया, अभी भी बारिश चालू हो गया, तो शायद से बारिश नहीं ना आए, अगर बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फटाफट मार्केट चलता है और जो जो काम है वो कम्प्लीट कर ले चले जाते हैं। अभी तो हो रहा है बारिश तेज, कहीं जगह पे शेड लेना पड़ेगा। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ और बाइक को हमने यहाँ पर रख दिया और देखो बारिश कितना ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और हम यहाँ पर रुके दवाई के दुकान पे दवाई लेने के लिए, और देखो घर से निकल ही आया और इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है। अभी तो बारिश थोड़ा बहुत कम हुआ है और जो जो काम है वो निपटाते हैं, नहीं तो फिर और फिर से बारिश आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
মালা পাওয়া যাবে ওই বাইকের জন্য বিশ্বকর্মা পূজা। अभी बाइक के लिए माला खरीदना हो गया, अभी तो अभी जो है अभी सर के लिए विटामिन ई कैप्सूल खरीदना पड़ेगा। एक दुकान में गया था, वो दुकान में तो अवेलेबल नहीं था, अभी देखते हैं कौन सा दुकान में अवेलेबल होता है। दवाई के दुकान में अवेलेबल हो जाएगा शायद। विटामिन ई कैप्सूल हो गए, विटामिन ई कैप्सूल लाओ तो। अभी सारा कुछ काम हो गया और अभी तो बारिश हो रहा था, अभी बाइक का पानी भी नहीं सूखा। अभी देखो इतने में ही धूप आ गया, देखो कितना ज़्यादा धूप। अभी जाऊंगा सीधा घर और घर जाके इसको क्लीन भी करना पड़ेगा। अभी तो बारिश हो गया, अभी कीचड़ कीचड़ भी हो गया, अभी तो क्लीन भी करना ही पड़ेगा। अभी सिर्फ घर आया, घर आते आते और भी ज़्यादा बारिश चालू हो गया। अभी धूप था रास्ते में और बाइक को हमने इस ट्री के नीचे पार्क कर दिया और अभी घर में ही चलते हैं। और इस बरंदे पे हमारा है साइकिल, साइकिल में हवा थोड़ा बहुत कम है और इसको उस बरंदे पे निकलते हैं और साफ सफाई स्टार्ट करते हैं। अभी बाइक आने के बाद साइकिल का हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो जंग लग चुका है। अभी साइकिल का खूबसूरती को वापस लाने के लिए अभी सरसों का तेल का यूज़ करेंगे कभी, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैं केरोसिन ऑयल का यूज़ करना चाहता था बट घर में ढूंढा तो केरोसिन नहीं मिला, तो अभी इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी साइकिल का काम तो हो गया, अभी जो जो जंग लगा है वो जंग का तो मैं कुछ नहीं कर सकता बट ऊपर से जो जो क्लीन करना था सब कुछ क्लीन कर दिया। और सिर्फ दिक्कत है साइकिल में थोड़ी हवा कम है। तो ये रहा हमारा बाइक, जो जब मैं मार्केट गया था तभी थोड़ा बहुत बारिश की वजह से थोड़ा बहुत क्लीन हो ही गया, जो धूल मिट्टी था वो तो ऊपर ऊपर से क्लीन हो गया। अभी थोड़ा बहुत पीछे जो धूल मिट्टी है उसको थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा कपड़े से, और सबसे पहले तो चेन लूप कर देते हैं। अभी बाइक तो ऊपर से पूरा क्लीन कर दिया, अभी जो चक्का है चक्का में तो अभी साफ सफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर तो प्रेशर वॉश से ही वो जो गंदगी है वो जा जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जो ऊपर ऊपर से साफ करना था वो तो अभी कंप्लीट हो गया, उसी में से पसीना निकल गया। अभी तो आसमान थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, शायद से शाम को धूप भी निकल आए क्या पता। और अभी ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, इसमें से गर्मी में हालत ख़राब हो गया। और आप देखो ये अभी खाना खाने के लिए बिस्किट देंगे तभी जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा, तो इसको बिस्किट ला के देते हैं। अब इसका खाना हो गया, ये चल लिया अपने घर। तो यहाँ पर ये रहा हमारा गोप्रो और यहाँ पर गोप्रो से सीधा हमारा मोबाइल पे फाइल ट्रांसफ़र होगा। तो ये रहा हमारा नया फ़ोन, तो इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पर सारा फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र होना चालू हो गया, अभी टाइम देख सकते हो
2:33 टाइम हो रहा है, बट अभी जो फाइल ट्रांसफ़र होकर मोबाइल पे आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर फाइनली जो है गोप्रो से हमारा मोबाइल पे वीडियो अभी रेंडर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम 2:30 बजे मैंने दिया था वीडियो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए, और यहाँ पर 3:30 ऑलमोस्ट बज गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग ही गया। तो यहाँ पर वीडियो अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, इतने में मेरा जो है एडिटिंग ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका होगा, और इतने में ही यहाँ पर गोप्रो से यहाँ पर मोबाइल पे फाइल ट्रांसफ़र हो गया। कितना ज़्यादा टाइम लगता है, अगर डायरेक्ट यहाँ पर जो यहाँ पर मेमोरी कार्ड घुसाने का जगह होता तो मेमोरी कार्ड घुसा लेता, इतने टाइम में मेरा आधा वीडियो जो है यहाँ पर एडिट हो चुका होता और आधा घंटा और टाइम स्पेंड करता तो मेरा जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाता, इसके बाद बाकी सारा काम कर पाता। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक राइड करने के लिए, छोटा सा राइड, और घूमने के लिए घूमना भी हो जाएगा, बस बारिश नहीं आना चाहिए। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, बस बारिश नहीं आना चाहिए, बारिश आ गया तो काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल से अभी बाइक को क्लीन वगैरह किया, अगर बारिश आ जाएगा तो रोड गीला हो जाएगा, उसमें से मिट्टी वगैरह कीचड़ वगैरह बाइक पे लग जाएगा, तो कल तो और भी ज़्यादा बुरा हालत हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा एक राइड करते हैं और निकलते हैं। और देखो आसमान तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, पिछले 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा गर्मी था, सर दिमाग सब कुछ हालत ख़राब कर दिया, और अभी इतना मौसम सुंदर हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत तो 1-2 बूंदे बारिश का गिर ही रहा है, क्या कर सकते हैं, बस तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर तेज़ हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा। बहुत ही अभी तो बहुत तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गया है, देखो ट्रैक कितना ज़ोर से घूम रहा है, और बारिश आ गया। अभी तो रुकना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। अभी जाने का प्लान था बहुत दूर घूमने के लिए, बट बारिश ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे थोड़ा बहुत शेड लिया था, अभी भी बूंदाबांदी बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, घर जाने तक हो जाएगा। सुबह जब निकला था मार्केट के लिए तभी भी बारिश आ गया था, उसके बाद पूरा दिन बारिश नहीं था। अभी शाम को 4:30 बजे थोड़ा बहुत निकले थे घूमने के लिए, थोड़ा ही दूर आ गया था 1-1.5 किलोमीटर, उसके बाद ही बारिश चालू हो गया। पता नहीं मौसम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, शायद मौसम आज मेरे से गुस्सा है, हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। और अभी देखो मौसम पूरा बढ़िया हो रखा है, और पूरा रोड अभी गीला गीला, और एक तो काम हो गया, अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, इसमें एक काम हो गया, मैं बारिश में ही बाइक को रख दिया था, और जो जो बारिश में जो जो थोड़ा बहुत मिट्टी था वो बारिश ने साफ़ कर दिया, एक तो बढ़िया काम हो गया, और पूरा बाइक तो अभी गीला गीला हो गया। अभी सीधा चलेंगे घर, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।